मैथ्स के रिगार्डिंग होगा लेकिन हम यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या है ठीक है <coughs> तो देखिए हम अगर सिलेबस पर बात करें वन टू फाइव सहायक आचार इनमें आपका तीन पेपर होगा पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री पेपर थ्री जो है वो आपका इसमें तीन पेपर होंगे एक जो है आपका जीके जीएस एंड करेंट यहाँ से पचास प्रश्न होगा दूसरा है वो आपका सामाजिक विज्ञान ठीक है और दूसरा जो है आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है आपका यानी मान लीजिए एस एस टी हम इसे मान लेते हैं और यहाँ से सेवेंटी फाइव प्रश्न होगा और दूसरा जो है आपका मैथ एंड साइंस यहाँ से पचहत्तर प्रश्न होंगे और वहीं आपका पेपर वन ये आपका जो माध्यमिक भाषा है वो होगा उससे सौ प्रश्न होगा और पेपर टू आपका जो है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में से किसी एक को आपको चूज करना होगा तो ये ओवरऑल हमारा वन टू फाइव सहायक आचार्य के रिगार्डिंग सिलेबस है तो चलिए आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो मैथ एंड साइंस यानी मैथ के अंतर्गत तो डिस्कस करेंगे अब देखिए मैथ्स के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं यानी मैथ्स का जो है वो सिलेबस क्या है उस पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद वन बाई वन करके जो है वो हम लोग वो टॉपिक देखेंगे तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होगी अब आते हैं हम लोग संख्या पद्धति आज का हम लोगों का टॉपिक है लेकिन हमने अभी बताया कि मैथ्स के रिगार्डिंग जो है हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है वन टू फाइव से लेवल में देखिए आपके जो सिलेबस दिए गए हैं उसमें कुछ विशेष चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया गया है और इतनी चीज़ें बताई गई है कि अप टू टेंथ लेवल जिसमें कि आपको अंक गणित ठीक है यानी कि बेसिक मैथ्स और एंड एडवांस मैथ्स दोनों की बातें की गई है अब देखिए यहाँ पर जो मैथ्स का सिलेबस है वो दो पार्टों में आपका विभाजित हो जाएगा जिसमें एक पार्ट में जो है आपका अंक गणित जिसे हम एरिथमेटिक कहते हैं और दूसरा जो है वो एडवांस मैथ ये दोनों पोर्शन हमें पढ़ने हैं इसमें अब देखिए यहाँ पर अंक गणित के अंतर्गत बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स हमें देखने हैं जिसमें कि बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स में हम जो चर्चा करेंगे वो बोर्ड मास रूल्स यानी जोड़ घटाओ गुना भागा बोर्ड मास रूल्स और एंड स्क्वायर स्क्वायर रूट्स टॉप्स इंडिसेस ये सारे जो है हमारा सिलेबस होगा यानी अंक गणित के अंतर्गत जो है हमें बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स में ही सारी चीजें आ जाएंगी उसके बाद जो है आपका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ठीक है संख्या पद्धति पद्धति के ही अंतर्गत हम लोग जो देख लेंगे वो एल्सियम एस भी देखेंगे आ, उसके बाद जो है वो प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानी प्रॉफिट एंड लॉस, और देन एवरेज औसत सी आई एस आई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क एंड एज वर्क एंड वेजेज यानी कि कार्य और जो वेतन है उस पर संबंधित प्रॉब्लम्स स्पीड टाइम डिस्टेंस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इसके अलावा जो है आपका और एशियो प्रपोशन अनुपात समानुपात अनुपात समानुपात तो ये सारे जो है टॉपिक्स हैं यहाँ पर हमें डिस्कस करना है जो कि अप टू टेंथ लेवल तक का होगा अब दूसरे पार्ट्स में जो है हमें जो डिस्कस करना है ठीक है दूसरे पार्ट्स में जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो एडवांस मैथ्स अब एडवांस के अंतर्गत हमें निम्न चीज़ों का जो है वो यहाँ पर देखने हैं जिसमें कि आपका एडवांस के अंतर्गत जो है एक अलजेबरा यानि कि बीज गणित ठीक है अलजेबरा बीज गणित फिर जो है आपका ट्रिगोनोमैट्री मैंसूरेशन मैंसुरेशन में आपको दोनों चीज़ें टू डी एंड थ्री डी एंड जियोमेट्री तो ये आपका एडवांस पार्ट के अंतर्गत है ये ओवरऑल जो है वो मैथ्स के रिगार्डिंग सिलेबस है और इसका जो लेवल होगा वो टेंथ स्टैंडर्ड होगा अप टू टेंथ स्टैंडर्ड यानी कि दसवीं क्लास तक ही जो है आपको यहाँ से प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे अब चलिए हम लोग आते हैं और अपने पहले टॉपिक्स जिसका नाम है नंबर सिस्टम अब देखिए हम जब नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से हमें नंबरों के बारे में जाननी होती है अगर हम देखें तो कुल जो अंक हैं डिजिट्स हैं वो आपका नौ है नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले जो है वो अंक के बारे में जानते हैं डिजिट्स के बारे में जानते हैं जो कि आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के अंतर्गत तो नौ डिजिट्स ही यूज होते हैं जिसमें कि आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन यही नौ डेट्स जो है वो पूरे मैथ्स के अंतर्गत यूज आते हैं और हम लोग इसी के तहत जो है यहाँ पर सारा मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है ये अंक और ऑपरेशन्स के तहत जो है हमारा सारा मैथ्स यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है अब देखिए इनमें अगर हम बात करते हैं इस पूरे नंबर में तो दो प्रकार के नंबर होते हैं एक जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर एंड दूसरा जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर होता है या फिर इन सिग्निफिकेंट नंबर तो इन सिग्निफिकेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सिग्निफिकेंट uh, पे हम uh, ध्यान दें तो यहाँ पर ये एक से लेकर नाइन्थ तक का जो uh, अंक हैं डिजिट्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कल आते हैं यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये जो है वो सिग्निफिकेंट है जबकि नॉन या फिर इनसिग्निफिकेंट या जीरो आते हैं ठीक है इन सिग्निफिकेंट जीरो आता है ये तो हुआ हमारा बेसिक चीज़ है अब देखिए जब हम नंबर सिस्टम्स की बात करते हैं ठीक है नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं संख्या पद्धति का तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कोई भी नंबर दिया होता है तो हम उसको कैसे रीड करेंगे तो इसके लिए जो है वो ठीक है सिग्निफिकेंट नंबर्स के रिगार्डिंग हम अगर डिस्कस करें तो हमें जो है एक संख्या पद्धति दी गई है जिसमें कि भारतीय संख्या पद्धति और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति अब जो संख्या पद्धति है जैसे हम कोई भी नंबर्स को लिखते हैं सपोज मान लीजिए हम थ्री फोर फाइव सिक्स लिख रहे हैं अब इसे हम किस तरह से रीड करेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कहते हैं तीन हज़ार चार सौ छप्पन तो यह जो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इसे तीन हज़ार चार सौ छप्पन कहेंगे तो ये भारतीय संख्या पद्धति के तहत हमने किया तो अब भारतीय संख्या पद्धति क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो अब यहाँ पर हम दो दोनों चीजें साथ में डिस्कस करेंगे जिसमें कि भारतीय संख्या पद्धति और इंटरनेशनल यानि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति ठीक तो है भारतीय संख्या पद्धति की हम अगर बात करते हैं भारतीय संख्या पद्धति ठीक तो है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा जो होता है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति की हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपका इकाई होता है यानी कि यूनिट होता है फिर दहाई होता है अर्थात टेन फिर जो है वो हंड्रेड होता है यानी कि सौ फिर हजार होता है फिर जो है वो टेन थाउजेंड यानी दस हजार होता है टेन थाउजेंड फिर जो है वो लाख होता है फिर दस लाख होता है देन दस लाख करोड़ फिर दस करोड़ और दस अरब इस तरह से जो है यह संख्या पद्धति भारतीय संख्या पद्धति कहलाता है जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करते हैं तो कुछ इस रूप में दिखता है तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक स्क्रीन पर जो है आ, एक और जो है आपका एक और जहाँ आपका अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को डिनोट किया गया वहीं दूसरी और जो है वो भारतीय संख्या पद्धति को आइडेंटिफाई किया गया है तो यहाँ पर देखिए यह संख्या पद्धति से आपका जो है वो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को भारतीय संख्या पद्धति में किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर भारतीय संख्या पद्धति आपको दिया रहेगा और उसका पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम किस रूप में इसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वन मिलियन बराबर कितना भारतीय संख्या पद्धति में बताना है तो देखिए वन बिलियंस की हम अगर बात करते हैं ठीक है वन बिलियन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका वन बिलियन है अब वन बिलियन्स के लिए यहाँ पर देखिए आपका टेन रेज टू दी पावर कितने हैं तो नाइन है तो यानी कि अरब ठीक है तो एक अरब को हम वन बिलियन कहते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संख्या भारतीय संख्या प्रति हमने अभी कुछ हद तक आपको डिस्कस किया था अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रति पर यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यूनिट्स टेन हंड्रेड हजार हजार के बाद अब देखिए यहाँ पर मिलियंस का जिक्र होता है और मिलियंस कितने होते हैं तो एक हज़ार ठीक है सॉरी एक हज़ार हज़ार ठीक है वन थाउजेंड एक हज़ार हज़ार जो है आपका ये मिलियन का आता है यानी कि टेन रे टू पावर सिक्स ये आपका क्या कह रहेगा मिलियन का लाएगा जबकि हम भारतीय पद्धति में देखें तो एक मिलियन को दस लाख के इक्विवेलेंट माना जाता है ठीक है वन बिलियन जो है वो कितने के इक्वल होगा तो दस लाख के इक्विवेलेंट होगा यहाँ से एक प्रश्न आसानी से बन सकता है वन बिलियन बराबर कितने लाख तो दस लाख या फिर दस लाख को हम अंतर्राष्ट्रीय पति में कैसे लिखते हैं तो वन बिलियन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और वन मिलियन बिलियन ये आपका एक अरब अब उसके बाद ट्रिलियन है तो ट्रिलियन जो है ये आपका दस खरब के इक्विवेलेंट होता है ठीक है दस खरब के इक्विवेलेंट यानी कि टेन रेज टू पावर ट्वेल्व ये भारतीय पद्धति में दस खरब होता है जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखें तो यह वन ट्रिलियन के इक्विवेलेंट होता है उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत ट्रिलियंस के बाद जो है आपका क्वा ट्रिलियंस सेक्सटिनियंस सेप्टिनियंस ऑक्टिनियंस एंड नन लिनियंस ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यय कभी कभी आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी दे देता है ठीक है जैसे आपका मिलियन बिलियन ट्रिलियन एंड क्वाडिनियन सेक्सटिनियन तो इस तरह के अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखना है और बाकी तो भारतीय पति uh, जिसमें कि इकाई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख दस लाख uh, दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब, इस तरह से जो है यहाँ पर ये आइडेंटिफाई होता है तो यहाँ पर जो है चीज़ों को हम लोगों ने देखा जिसमें कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति अब जैसा कि हम एक यहाँ पर नंबर लेते हैं और उससे आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं जैसे हमारे पास जो नंबर है वो है ट्वेंटी एटी सेवन ठीक है बीस एटी सेवन सिक्सटी वन फोर थ्री फाइव सिक्सटी वन फोर थ्री फाइव ठीक है ये हमारा नंबर है अब हम इसे किस तरह से रीड करेंगे और संख्या के रूप में हम कैसे इसे लिखेंगे तो देखिए अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं ठीक है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या चीज़ें दिख रहे हैं तो ये इकाई पोजिशन पर इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ तो बीस करोड़ इसे हम कैसे लिखेंगे बीस करोड़ सतासी लाख इकसठ हजार चार सौ पैंतीस हम इस नंबर को इसी रूप में लिखेंगे ये भारतीय संख्या पद्धति में हुआ यही नाम यह भारतीय संख्या पद्धति में हम लोगों ने देखा अब देखिए यहाँ पर दो चीजें पूछा जाता है एक स्थानीय मान और दूसरा जातीय मान यहां पर स्थानीय मान जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं और दूसरे को जो है ये प्लेस वैल्यू और एक कमेंट्स कमेंट्स आए हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या हाँ आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा है तो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और जातीय मान यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो अब यहाँ पर देखना है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और जातीय मान क्या होता है अब सपोज मान लीजिए कि आपका जो है वो यहाँ पर छः का पूछा जाए कि छः का बताइए कि स्थानीय मान क्या होगा और जातीय मान क्या होगा ठीक है सिक्स का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा तो देखिए अगर हमें स्थानीय मान पूछा जाए तो जो भी नंबर जैसे छः का स्थानीय मान पूछा गया है या फिर हम यहाँ पर इस तरह से कर लें हाँ चलिए छः का स्थानीय मान पूछा गया है तो इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा अब देखिए छः यहाँ पर है तो छः के बाद जितने अंक हैं उतना ज़ीरो हो जाएगा कितने अंक हैं वन टू तो, थ्री फोर यानी कि फोर अंक हैं तो यानी कि काई दाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार यानी कि साठ हजार जो है इसका स्थानीय मान हुआ छः का जबकि जातीय मान जो होता है जातीय मान जो होता है वो आपका सेम वैल्यू होगा यानी जो नंबर्स दिया गया है वही आपका जातीय मान होगा अगर इसमें पाँच का जातीय मान पूछा जाए तो पाँच ही होगा तीन का जातीय मान तीन होगा चार का जातीय मान चार होगा वन का मान वन होगा लेकिन अगर यहाँ पर स्थानीय मान पूछा जाए तो उस केसेस में जो नंबर्स है उसके राइट हैंड साइड्स में जितने अंक होंगे वो सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे सपोज हम यहाँ पर एक जो है वो चार्ट को देखते हैं अगर मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पर दिया गया है कि दो चार आठ अब इसका स्थानीय मान पूछा जाए हर एक का ठीक है अगर यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिया गया है इनका स्थानीय मान पूछा जाए तो क्या होगा अब देखिए यहाँ पर अगर आठ का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आठ इंटू क्या हो जाएगा नाइन रेज टू पावर सॉरी आठ गुना टेन रेज टू पावर जीरो टेन रेज टू पावर जीरो हमेशा क्या होता है वन होता है तो ये हो जाएगा आठ वहीं छः का स्थानीय मान पूछा जाए तो गुना दस का पावर वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए वन डिजिट है छः के बाद तो यहाँ पर साठ जो है वो इसका स्थानीय मान हो जाएगा लेकिन अगर चार का स्थानीय मान पूछा जाए तो चार गुना क्या हो जाएगा टेन रेज टू पावर और टू यानी कि 400 एंड देन अगर दो का स्थानीय मान पूछा जाए तो दो गुना टेन रियाल टू दी पावर थ्री हो जाएगा क्योंकि आप दो के बाद देखिए वन टू थ्री डिजिट्स हैं तो यानी कि आपका दो पर तीन जीरो हो जाएगा तो ये यहाँ पर स्थानीय मान हुआ लेकिन अगर इसका जातीय मान पूछा जाता तो जातीय मान जो होगा वो दो का दो ही रहेगा चार का चार ही रहेगा छः का छः ही रहेगा और आठ का आठ ही रहेगा यानी कि जातीय मान में कोई जो है वो हमें डिफरेंसेस नहीं आते हैं लेकिन स्थानीय है मान में उसके राइट हैंड साइड में जितने अंक होगा उतना जीरो पूट हो जाता है अब एक क्वेश्चन है ठीक है एक क्वेश्चन है यहाँ पर एक चीज़ और रखना है कि अब हम स्थानीय मान प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आया अब प्रत्येक अंक के स्थानीय मान को हम अगर ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है ठीक है वही नंबर प्राप्त होता है हाँ आ, ये प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू हाँ जातीय को फेस वैल्यू कहा जाता है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से ठीक है आपका दिया गया है और एक प्रश्न है ठीक है डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड ठीक है डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्स ये फाइव ठीक है जो पाँच है इसका जो फेस वैल्यू होगा और जो प्लेस वैल्यू होगा उनके बीच का अंतर क्या होगा चलिए कमेंट सेक्शंस में आप आंसर करें हाँ ये आपका क्लास वन है ठीक है आ, हम कोशिश करेंगे कि ये क्लासेस जो है आपका इवनिंग में आ, वन टू फाइव की रिगार्डिंग जो है या फिर हम जे की रिगार्डिंग साढ़े सात बजे सात से साढ़े सात बजे के मध्य जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये क्लासेस आपका डेली होगा एक आंसर जो है वो पाँच हज़ार आ रहा है और किन्हीं का कोई आंसर और डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए टू फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स इसका जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा तो हमें पाँच का पूछा जा रहा है तो पाँच के बगल में कितने हैं तीन जीरो हैं और इसका जातीय मान क्या होगा तो जातीय मान जो है जो अंक है वही इसका जातीय मान होगा यानी कि पाँच होगा अब इनका डिफरेंस पूछा जा रहा है तो पाँच हज़ार में से पाँच को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो यहाँ पर पाँच और ये नौ हो गया फिर नौ एंड चार यानी कि चार हज़ार नौ सौ पंचानवे जो है ठीक है चार हजार नौ सौ पंचानवे इसका जो है वो डिफरेंस होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रिगार्डिंग हमने बताया तो यहाँ पर आपको कन्फर्मली क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है हमें स्थानीय मान और जातीय मान को आइडेंटिफाई करना है अगर डिफरेंसेस पूछी जाए या मल्टीप्लाई पूछा जाए सम पूछा जाए तो हम आसानी से देख बता सकते हैं और इससे पहले हम लोगों ने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और जो भारतीय संख्या पद्धति था उस पर डिस्कस किए तो यहाँ से भी प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं अब आगे आते हैं और हम लोग नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं ठीक है अब हम लोग आगे आते हैं और यहाँ पर नंबर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं तो देखिए हमारे पास यानी कि आ, जितने भी अगर हम अंक की बात यानी या नंबर्स की बात करते हैं तो एवरी नंबर इज टेकन एज ए कम्प्लेक्स नंबर ठीक है एवरी नंबर इज टेकन एज ए कम्प्लैक्स नंबर कंप्लेक्स नंबर इन्वॉल्व रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर ठीक है जो कंप्लेक्स नंबर होता है जिसे हम जटिल संख्या कहते हैं जटिल संख्या में दो नंबर्स आइडेंटिफाई होता है एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और दूसरा जो होता है वो इमेजनरी नंबर हम अगर विश्व में देखें ब्रह्मांड में तो जो नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा दुनिया में और कोई भी नंबर नहीं होता है कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में जो है वो एक तो और रियल नंबर को ऑक्यूपाई किए हुए हैं और दूसरा इमेजनरी नंबर जब भी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो ए प्लस आयोटा बी यहाँ पर ए और बी जो है वो रियल है जबकि आई जो है वो इमेजनरी संख्या को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इमेजनरी यानी कि काल्पनिक संख्या अब देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती है हम लोग सबसे पहले इस पर और यहाँ से कहाँ तक हमें प्रश्न पूछा जा सकता है वो हम लोग देखते हैं तो देखिए इमेजनरी नंबर्स जैसे कि आप जानते हैं कि रूट अगर वन करें तो हमारा रिजल्ट वन आएगा रूट फोर करें तो हमारा रिज़ल्ट टू आएगा रूट एट करें रूट नाइन कर देते हैं तो यहाँ पर थ्री आएगा लेकिन हम जैसे ही रूट माइनस वन करते हैं तो असमर्थ हो जाते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास रूट माइनस वन है तो हम क्या करें तो इसके लिए अब डायरेक्ट हम इसके लिए हम आई लिखते हैं और यही जो है वो इमेजनरी नंबर कहलाती है हम इसे आई ओटा या फिर आई पढ़ते हैं और यह हाँ इमेजनरी नंबर यानी कि रूट माइनस वन का वैल्यू जो है वो आई होता है तो दिस इज़ यमेजनरी नंबर रूट माइनस वन दिस विल बी आई नाउ अगर हम आई स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग तो ये आई स्क्वायर जो है वो माइनस वन की इक्वी हो जाएगा अगर हम आई क्यूब कर देते हैं यानी कि आई दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है आई जो है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर आई यानी माइनस आई बराबर जो है वो आई क्यूब हो जाएगा और अगर हम आई रेज टू पावर फोर कर दें तो देखिए आई रेज टू पावर फोर यानी कि यहाँ से हम देखिए Uh, इसे क्या कर रहे हैं कि माइनस uh, वन का स्क्वायर uh, कर दे रहे हैं और आई का स्क्वायर का हॉल स्क्वायर कर दे रहे हैं तो यहाँ से जो है आपका आ जाएगा ये वन हो जाएगा और यहाँ पर आई रेज टू दी पावर फोर यानी कि अगर हम आई का पावर फोर करते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा वन के इक्विवेलेंट यहाँ तक आपको पूछा जा सकता है कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि बताइए आई रेज टू दी पावर जो है वो सिक्सटीन है तो इसका वैल्यू क्या होगा आई इमेजनरी संख्या है और आई का पावर सिक्सटीन तो देख चूंकि आई रेज टू दी पावर फोर यही नाम कर सकते हैं आई रेज टू दी पावर फोर का पावर फोर तो हमारा आई रेज टू दी पावर सिक्सटीन हो जाएगा और हमने अभी बताया कि आई रेज टू दी पावर फोर ये वन होता है वन का पावर फोर ये वन ही आएगा यानी कि अगर आयोटा के पावर फोर के मल्टीपल्स में है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा वन आएगा तो आपको मेनली जो है वो इन चार तथ्यों को ध्यान में रखना है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अगर एग्जामिनर जो है वो खुश होगा तो यहीं से पूछा जा सकता है अदरवाइज इमेजनरी इग्नोर कर देते हैं तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इमेजनरी के सापेक्ष में डिस्कस कर लिया अब आते हैं हम वास्तविक संख्या रियल नंबर देखिए हम लोग ऐसे मानते हैं कि जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं ठीक है वैसी संख्या जिसे हम नंबर्स uh, लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं जैसे कि अगर ये अगर हमारा नंबर लाइन है तो इसे हम वन uh, टू इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं लेकिन इमेजनरी को हम इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अब देखिए रियल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं जिसमें में कि आपका रैशनल नंबर और ई नंबर एक तो आते हैं ये हमारे पास दो नंबर अभी यहाँ पर आते हैं एक जो है वो आपका रैशनल नंबर आता है और दूसरा ई रैशनल नंबर आता है अब देखिए हम और रैशनल नंबर किसे कहेंगे और ई रैशनल नंबर किसे कहेंगे ये रियल नंबर के, के पार्ट होते हैं ठीक है रियल नंबर में ही ये हमें पढ़ना है तो रैशनल नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर लें लेकिन हमारा यहाँ पर क्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है तो आप लोग जेटेड मेंस की तैयारी अभ्यस करना प्रारंभ कर दिए होंगे उसी के आपकी तैयारी में ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा और साथ ही जो कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अब तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो हम बेसिक चीज़ें बताते हैं कि अगर यहाँ पर अगर जीरो बाई ज़ीरो हो तो ये मीनिंगस फॉर्म होता है लेकिन अगर हम जीरो बाई वन कर देते हैं तो इसका वैल्यू वन आ जाता है ठीक तो है ज़ीरो बाई वन क्या होता है वन होता है लेकिन अगर हम वन बाई ज़ीरो कर दें तो वन बाई ज़ीरो इनफाइनाइट हो जाता है यानी कि हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं ठीक है नॉट डिफाइंड तो वही चीज़ें हमने कहा कि अगर पी और क्यू है यानी पी बाई क्यूब है अगर क्यू जीरो हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो जब नॉट डिफाइंड होगा तो हम उस केसेस में कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसीलिए कभी भी क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसके अलावा और एक दो पॉइंट आप जान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी नंबर्स का पावर अगर ज़ीरो है तो वो हमेशा वन आएगा ठीक है वो हमेशा वन आएगा अगर वन बाई इन्फिनीटी है वन बाई इन्फिनिटी है तो इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा तो वन बाई ज़ीरो यानी कि इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा क्यों जीरो होगा तो इन्फिनिटी बराबर वन बाई ज़ीरो होता है वन अपॉन वन बाई ज़ीरो तो फोर्थ बटा ऊपर चला जाएगा यही है ना फोर्थ बटा क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो ये आपका ज़ीरो आएगा तो बस ये इन चीज़ों को थोड़ी सी बारीकी से देखनी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है क्योंकि आप जिस लेवल के एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आप बच्चों उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट होइएगा जहाँ पर कि आपको इन इन सभी बेसिक चीज़ों को ही बताना अहम होता है तो अब देखिए यहाँ पर हमारा पी बाई क्यू जो है वो यानी क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए यानी कि सपोज आपका टू बाई थ्री है एट बाई फाइव है सेवन बाई सिक्स है तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो हमारा रैशनल नंबर होगा लेकिन ई नंबर क्या होता है तो जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ठीक है जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वैसे नंबर को हम ई नंबर कहते हैं ठीक है ई रैशनल नंबर कहते हैं तो अब ई रैशनल नंबर में जितने भी रूट्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट फाइव इस तरह से नंबर हो जाएंगे पाई जो है वो ई नंबर है पाई जो है वो ई नंबर है यानी कि यहाँ पर जो है पाई का वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर या फिर हम बाईस बटा सात मानते हैं तो बाईस बटा सात तो जो है आपका रेशनल नंबर है लेकिन पाई जो है वो ई नंबर है पाई या रेशियो बिटवीन सरकम फारेंस एंड रेडियस ठीक है रेडियस और सरकमफ्रेंस परिधि और त्रिज्या के अनुपात को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं आ, पाई जो है यहाँ पर आपका अपरिमेय संख्या है तो इन बारीकियों को आपको इसके अलावा एक्सपोनेंशियल, लॉग ठीक है लॉग ये सारे के सारे कौन से नंबर में आते हैं तो इरेशनल नंबर में आते हैं ठीक है अगर कोई हमारा नंबर्स है जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो सारे नंबर्स क्या आएंगे ई रेशनल में आएंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर मिसिंग हुआ है हाँ सॉरी इसे सुधार लीजिए हाँ यहाँ पर सही बताएं, जीरो बाई वन जो है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है और यहाँ पर एरर है आप सुधार लीजिए बाकी तो एरर नहीं है हाँ वन बाई जीरो इन्फिनी वो हमेशा ज़ीरो ही होगा ठीक है और यहाँ पर मिसिंग तो हुआ है हमसे ही हो सकता है लिखने में जो है वो मिसिंग हो हम बोले ज़ीरो ही होंगे आ, जीरो का पावर जीरो आ, वन की पावर जीरो वन होता है वन बाई इन्फिनिटी ज़ीरो एंड वन अपॉन वन बाई ज़ीरो हाँ यहाँ पर ठीक है हाँ अब मे भी अब क्लियर होगा हाँ यहाँ पर थोड़ी सी ये मिसिंग हुआ है और अब हो सकता है लिखने में दिक्कत हो हुँ, क्योंकि ह्यूमन ये मानो एरर ह्यूमन एरर होते हैं और तो चलिए यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी सर प्लेस वैल्यू में पॉइंट वाला भी कुछ एग्ज़ाम्पल दे दीजिए हाँ ज़रूर देंगे ठीक है तो चलिए यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए हाँ वन बाई जीरो जीरो ही होता है सर ठीक है हमने जीरो ही बना दिया है इसको वो कहें तो कि मिसिंग यानी कि ये चीज़ें चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ तक अब क्लियर है आप लोगों का तो इरेशनल में कभी कभी इन सब टर्मों से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अब हम लोग थोड़ा सा रेशनल नंबर पर आते हैं और रेशनल नंबर में एक टू टर्मिनेटिंग पूछा जाता है और अगर वो टर्मिनेटिंग यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रैकरिंग वाले होते हैं तो उन पर प्रॉब्लम्स आते हैं तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं तो रैशनल नंबर को आगे बढ़ाते हैं टर्मिनेटिंग का आप हिंदी मीनिंग बता दें अगर किन्हीं को ध्यान में है हिंदी मीनिंग तो आप बता दें बाकी हम यहाँ पर आपको टर्मिनेटिंग क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम समझा देंगे टर्मिनेटिंग तो देखिए अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो कहने का मतलब हुआ टर्मिनेटिंग की वो कंप्लीटनी डिविजिबल हो जाए भले डेसिमल में ही डिविजिबल हो आ, ये आपका लेकिन कंप्लीटनी डिविजिबल हो जाए तो यानी कि टर्मिनेटिंग की हम अगर बात करें ठीक है तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो वन रेज टू पावर आ, वन अपॉन ट्वेंटी फाइव है तो ये क्या टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होगा हम चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना आए या फिर हमारा दिया गया वन बाई एट या हमें दिया गया है वन बाई टू हंड्रेड या फिर सिक्स बाई टू हंड्रेड समथिंग कुछ भी दिए हुए हों तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा टर्मिनेट कहने का मतलब कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा आंसर भले डेसिमल में आए अगर डेसिमल भी आ रहे हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा यानी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग होता है यानी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस अब देखिए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है अगर हर जो है ठीक है हर जो है अगर इन फॉर्म में है डिनोमिनेटर ठीक है डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्मेट में हो और टू के पावर अगर एन में हो या फिर फाइव का पावर एन में हो या टू रेज टू दी पावर एन और गुणा और फाइव रेज टू दी पावर एम के फॉर्म में हो अगर इन फॉर्मेट में हर है इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर्स ना आए तो हम वैसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रिक्शंस कहते हैं जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कितना से तो फाइव के पावर टू इसे टू का पावर थ्री में और इसे और यहाँ से आपका टू हो जाएगा इंटू दो पचास यानी पच्चीस यानी दो दुना चार चार दुना आठ और पाँच इंटू पाँच यानी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर टू हंड्रेड को तोड़ें तो देखिए हमारा कंप्लीटनी जो है वो सारे दो और पाँच में आए हैं यानी कि ये हो गया टू रेज टू दी पावर सिक्स टू रेज टू दी पावर थ्री गुना फाइव रेज टू दी पावर टू यानी कि यहाँ पर देखिए कि ये नंबर में फाइव है इसमें टू है और इसमें टू और फाइव दोनों है यानी कि ये जितने भी नंबर्स दिए गए सबके सब क्या होंगे टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं अगर हम यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं जैसे सपोज वन रेज टू पावर वन सेवन फाइव है क्या यह टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा तो अब हमें वन सेवन फाइव का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा वन सेवन फाइव का क्या हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर पाँच से अगर हम पाँच बार कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा पाँच बार कर देते हैं तो पाँच तैयारी पंद्रह और दो पाँच यानी पचास पच्चीस तो पैंतीस बचेगा तो यानी कि हम पुनः पाँच लिख लेते हैं और फिर सात लिखते हैं यानी होगा पचास पच्चीस सत्य एक सौ पचहत्तर हाँ अब देखिए यहाँ पर वन अपॉन फाइव पेज टू पावर टू गुना सात आ जा रहा है अब हमने बताया कि जब भी अगर कोई हमें फ्रैक्शंस दिया गया है और उसका हर ठीक है उसका डिनोमिनेटर अगर दो और पाँच या फिर दो और पाँच सिर्फ आते हैं ने टू रेज टू दी पावर एन और फाइव रेज टू दी पावर एम के फॉर्मेट में हो तभी जो है वो नंबर क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर होता है तो यहाँ पर देखिए सेवन एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है ठीक तो है ये नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा जबकि हमने आपके साथ ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर जो देखा ये टर्मिनेट कर रहा है तो यहाँ से भी एक प्रॉब्लम्स आपसे पूछ दिया जाता है तो इन पर आपको ध्यान रखना है ठीक है अब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग यानी नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला टर्म आता है ठीक है तो अगला लिखिएगा रेशनल नंबर का ही पार्ट है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा जैसे सपोज मान लीजिए आपको दिया हुआ है पॉइंट थ्री 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 डॉट डॉट आप इसको कैसे रूप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं इसे जो है हम लोग इस रूप में भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं थ्री के ऊपर बार अब आपको पॉइंट थ्री के ऊपर बार दिया गया है और कहा जा रहा है कि आप फ्रैक्शंस में इसे लाइए ठीक है कन्वर्ट दिस नंबर इनटू फ्रैक्शंस भिन्न में लाइए तो यहाँ पर जो है ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है क्योंकि कंप्यूनिट डिवाइड नहीं है यानी कि पॉइंट के बाद और थ्री 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 इन्फाइट टाइम्स आ रहे हैं तो अब इन नंबरों को हम कैसे सॉल्व करके जो है वो फ्रैक्शंस में लाते हैं ठीक है या फिर आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है इस तरह से ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवन यानी कि हमें पॉइंट सिक्स सेवन के ऊपर बार दिया गया है या आपको यहाँ पर ये भी दिया जा सकता है ठीक है यहाँ पर अन्य और जो क्वेश्चन है वो भी दिए जा सकते हैं अन्य क्वेश्चन में और क्या क्या दिए जा सकते हैं वो आप लोग देख लीजिए यानी कि पॉइंट वन सिक्स के ऊपर बार है ठीक है पॉइंट सिक्स के ऊपर बार है या फिर आपको यहां पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो आखिर हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये रैकनिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनके लिए काफ़ी आसान जो है कॉन्सेप्ट है एक तो आप एक मेथड, एक मैथमेटिकल मेथड से कर सकते हैं या फिर आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं तो आखिर हम शॉर्ट में कैसे करेंगे उस पर हम लोग विचार करते हैं तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर पॉइंट थ्री के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर है उसे लिख लेंगे और नीचे और जितने अंक के ऊपर बार हैं हम उतना नाइन लिखेंगे कहाँ हर में तो ये नाइन हो गया अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके बाद और पहले कोई भी अंक यानी पहले कोई भी अंक नहीं है बाद में हो तो डज नॉट मैटर तो यहाँ पर क्या आ गया वन बाई थ्री तो हमारा आंसर हो गया यही पॉइंट थ्री 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 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो वन बाई थ्री होगा अब वन बाई थ्री को डिवाइड करके देख लीजिए ठीक है वन बाई थ्री को डिवाइड कीजिएगा देखिए यहाँ पर वन बाई थ्री है ना तो वन को तीन से डिवाइड करें नहीं जाएगा डेसिमल दे दिए यहाँ पर जीरो आ गया तीन बार जाएगा वन बचेगा ठीक है और तीन तिहाई नौ हो जाएगा तीन बार जाएगा नौ यहाँ पर आया और ये आपका वन रिमेनिंग फिर अगेन हम चूँकि डेसीमल ऑलरेडी दे, दे चुके हैं तो अब यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे फिर क्या है तीन बार में जाएगा नाइन यानी अब हमारा यही रिपीट करता जाएगा तो डॉट 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 वही चीज़ें दी गई है इसमें प्रोसेस क्या बताएं कि आपको जितने नंबर्स पे रैकिंग है उतना नाइन जो है वो नीचे बैठा देना है अब यहाँ पर देखिए सिक्सटी सेवन है तो सिक्सटी सेवन आप क्या हो जाएगा नाइन्टी नाइन अब अगर ये कैंसिल होता है तो आप इसे काट दीजिए छः और सात तेरह क्या तीन से कटेगा कड़े, नहीं कटेगा अब यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है आ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट वन टू तो ये आपका वन टू हो जाएगा अपॉन और नाइन्टी नाइन ये कटेगा कितना चार तिया बारह और तैतीस तिया निन्यानवे यानी फोर अपोन थर्टी थ्री फोर अपोन थर्टी थ्री लेकिन अब यहाँ पर हमें पूछा जाए कि क्या होगा तो देखिए अब यहाँ पर जितना नंबर है हम पूरा लिख लेंगे और जो जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे हम घटा देंगे वन पर रैकरिंग नहीं है वन घटा दिए अपॉन अब रैकरिंग छः पर है यानी एक नौ हो जाएगा और उसके पहले और जीरो के बाद जितने अंक होगा उतना जीरो बैठा जाएगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा एक बार पुनः इसको देखिएगा जब अगर रैकरिंग जितने अंक पर होंगे उतना ना, नाइन जो है वो हम हर में लिखते हैं जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बताया और यहाँ पर लेकिन अगर रैकिंग के पहले और डेसिमल के बाद अगर अंक है तो हम उसके लिए ज़ीरो पुट करते हैं और उसे जो है वो पूरे नंबर से घटा देते हैं तो वहाँ पर यही किए कि यहाँ पर हमारा वन सिक्स पर बार था सिक्स पे बार था तो हमने पूरा नंबर को लिख लिया सिक्सटीन और जो जिस पे बार नहीं था उसको घटा दिए वन और नीचे में जितने पर बार है उतना नाइन और जिस पर नहीं है वो उतना जीरो तो यहाँ पर जीरो एक एक नहीं था यानी एक एक पर ही बार नहीं था हमने जीरो कर दिया अब इसी को सॉल्व कर लीजिए ये फिफ्टीन हो जाएगा और अपन और नाइनटी तो पंद्रह छक्का नब्बे वन बाई जो है इसका आंसर होगा ठीक है वन बाई सिक्स इसका आंसर हो जाएगा यहां तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स है बताइए यहाँ तक क्लियर है या फिर कोई डाउट्स हैं चलिए क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन है वही है कि आपको फ्रैक्शंस में ही लाना है ठीक है प्रॉब्लम जो है आपका फ्रैक्शंस का ही है क्वेश्चन है टू पॉइंट थोड़ी सी जो है वो इसमें हम लोग देख लेते हैं टू पॉइंट टू थ्री फोर और थ्री फोर के ऊपर बार है टू पॉइंट टू थ्री फोर और थ्री फोर के ऊपर जो है आपका बार है तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए आपके मैथ्स इसी तरह के पूछे जाएंगे जब हम सिलेबस ये तो चूँकि बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम का बेसिक चीज़ें हैं नंबर सिस्टम में हमें बहुत सारे चीज़ें पढ़ने हैं जैसे अभी हम लोग अंक पद्धति देख रहे हैं उसके बाद जो है हमें डिविजिबिलिटी देखना है जैसे वन टू से थ्री से फोर से फाइव से एलेवन सेवन थर्टीन से कैसे डिविजिबल होगा उसके बाद हमें यूनिट प्लेस के वैल्यू पर चर्चा करना है तो यहाँ पर अगर हम आंसर आप पहले इसका आंसर कीजिए आप लोगों का क्या है तो अभी हमने रूल्स बताया इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर पॉइंट है तो यहां पर हम प्लस भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले पूरा नंबर को आप लिख लीजिए अब जिस पर बार नहीं है उसको आप घटा दीजिए बाईस को घटा देंगे अब फौन क्या करेंगे तो जिस पर बार है उतना नाइन और डेसिमल के बाद और रैकरिंग से पहले जितना नंबर है उतना ज़ीरो हो गया ठीक है ठीक है तो अब देखिए आप इनको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से बाईस जाएगा तो बाईस और ये हो जाएगा आपका टू यहाँ पर और वन अपॉन नाइन नाइन ज़ीरो कटता है तो काट दीजिए देखिए तीन से कटेगा दो दो चार पाँच और दो सात नहीं कटेगा तो हमारा यही रिजल्ट हो जाएगा आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं टू प्लस ट्वेंटी यानी टू थ्री फोर आ, ये पॉइंट में होगा और हाँ ये इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर टू प्लस हो जाएगा आ, टू थ्री फोर माइनस टू अपॉन नाइन्टी नाइन जीरो ना नाइन्टी नाइन जीरो अब नाउ टू प्लस टू थ्री टू अपन नाइन नाइन जियो अब इनको ऐड कीजिएगा तो यही रिजल्ट आएगा तो आप जिस रूप में uh, इसे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं एक और क्वेश्चन से यहाँ पर देखते हैं आपका है वन पॉइंट टू थ्री के ऊपर बार है इसका आंसर बताना है कि क्या होगा 1.23 के ऊपर बार है अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है वन पहले है और बाद में जो है वो पॉइंट है तो आप वन को इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को जोड़िएगा हमें सेम आएगा नंबर ये ना तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वन को लिख लेंगे और यहाँ पर टू थ्री है ना तो टू थ्री अब चूंकि एक के ऊपर नाइन है और एक के बाद जो है वो एक अंक है तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टू कर देंगे क्योंकि सारे नंबर को लिखकर बिना रैकरिंग वाले को हम घटा देते हैं तो ये वन प्लस ट्वेंटी वन अपॉन नाइन्टी हो गया अब नौ नाइन्टी और ट्वेंटी वन 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 अपन नाइन्टी ये कितना से कैंसिल हो जाएगा तीन से कैंसिल होगा ठीक है नौ दो एक ग्यारह एक सौ एक ग्यारह बटा नब्बे आया इनको हमने सम कर दिया तो और यहाँ से ये तीन बार में कट जाएगा तीस तिहाई नब्बे और ये तीन तिहाई नौ और सत्रह एक यानी थर्टी सेवन अपन थर्टी जो है इसका आंसर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो बताइए यहाँ तक है या फिर कोई डाउट्स है तो रैशनल और इरेशनल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया अब आगे अगर आते हैं तो इंटीजर्स नंबर आते हैं अगला जो है आपका इंटीजर है यानी कि पूर्णांक संख्या तो अगर इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में सारे यानी कि जीरो और पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये सारे नंबर जो है वो आते हैं ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सबके सब क्या हैं रेशनल नंबर हैं क्यों क्योंकि हम अगर डिवाइड वन करते हैं ठीक है जैसे थ्री बाई वन करते हैं तो ये रेशनल नंबर है पी बाय क्यू के रूप में रिप्रेजेंट है वहीं जीरो बाई वन बताइए जीरो जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है जीरो जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है यस या नो में आप आंसर करें का कोई आंसर नहीं आया जीरो रैशनल नंबर है परिमेय संख्या है या नहीं है परिमेय संख्या है या नहीं है चलिए आंसर कीजिए तो देखिए कितनी बारीकियों से चीजों को पढ़ना होता है सर ठीक है तो एक गाइडलाइंस की तो जरूर आवश्यकता होती है और खासकर मैथ और जब साइंस के क्लास टॉपिक्स हो तो उन केसेस में तो देखिए यहाँ पर आ, जीरो को हम जीरो बाई वन लिख सकते हैं इसका वैल्यू जीरो ही होता है तो जी हाँ ये आपका रैशनल नंबर है परिमेय संख्या क्योंकि परिमेय संख्या पी बाई क्यू होता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होता है पी जीरो हो सकता है क्यू जीरो नहीं होता है ये रेशनल नंबर है हमने अभी बताया कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर यानी सभी पूर्णांक संख्या जो है वो परिमेय संख्या है ऑल इंटीजर आर नंबर तो जीरो जो है वो रेशनल नंबर है ठीक है अब देखिये जब इंटीजर्स दिए जाते हैं तो कभी कभी सिंपल uh, सा प्रॉब्लम पूछ दिया जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर जो जान रहे हैं पॉजिटिव uh, इंटीजर में वन से लेकर इन्फाइनाइट तक निगेटिव इंटीजर में माइनस वन से लेकर इन्फाइनइट तक लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर पूछ दिया जाता है तो उस से में क्या हो जाएगा तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपका जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट डॉ डॉट जबकि नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो वन टू थ्री फोर डॉटो डोट इन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब अगला जो नंबर्स आता है वो हमारे पास दो और नंबर आते हैं जिसमें कि एक आता है कंपोजिट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर लेकिन तो उससे पहले थोड़ा सा ईवियन नंबर और, और नंबर पर भी चर्चा कर लेते हैं इन नंबर यानी सम संख्या और नंबर देखिये दो से जो डिविजिबल होते हैं उसे इवेन नंबर कहते हैं दो चार छ आठ जबकि जो दो से डिविजिबल ना हो यानी वन थ्री फाइव सेवन ये जो है वो और नंबर कहलाते हैं इवेन और ऑड में तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है एक को आप चलिए यहाँ पर और चीज़ों को देख लेते हैं नेचुरल नंबर ठीक है प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या ये वन से स्टार्ट होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक होता है हॉल नंबर पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो पुट कर देते हैं ठीक तो है अगर नेचुरल नंबर में जीरो पुट कर देते हैं जीरो वन टू थ्री तो ये आपका हॉल नंबर हो जाते हैं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और यहाँ से प्रश्न भी आपको नहीं आते हम सिर्फ क्योंकि नंबर सिस्टम बता रहे हैं तो ये नंबर सिस्टम का ही भाग है अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आते हैं यहाँ से आते हैं इनमें जो है एक आपका प्राइम नंबर होता है और दूसरा कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या चलिए यहां पर लिखिएगा प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या तो देखिए अगर हम यहाँ पर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने और एक से विभाजित होते हैं यानी कि जिसका दो जो है वो एक्जैक्टिव फैक्टर होते हैं ठीक तो है वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने या फिर वन से डिविजिबल हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं जैसे यहाँ पर देखिए थ्री फाइव सेवन अब क्या तीन से पहले भी कोई संख्या है जो प्राइम नंबर है आंसर आप लोग कीजिए तो जी हाँ लिस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका दो होता है तो दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह और सत्रह उन्नीस तेईस उनतीस इकतीस तैंतीस इकतालीस तैतालीस सैंतालीस तिरपन उनसठ एकसठ सरसठ इकहत्तर तिहत्तर नवासी तिरासी तिरासी के बाद बताइए कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा ठीक है तिरासी के अगर बाद पूछा जाए तो तिरासी के बाद आपका नवासी ठीक है नवासी और नवासी के बाद अगर पूछा जाए तो संतानवे ये जो है एक से लेकर सौ तक के अभाज्य संख्याएं हैं तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि एक से सौ तक कितने अभाज्य संख्या हैं एक से सौ तक कितने अभाज्य संख्या है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव यानी कि वन से लेकर सौ तक के में टोटल ट्वेंटी फाइव जो है रैशनल नंबर है अगर एक से लेकर पचास तक में पूछ दिया जाए तो कितना होगा तो आप काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो पंद्रह जो है वो एक से लेकर पचास तक है अगर एक से लेकर दो सौ तक में पूछ दिया जाए एक से दो सौ तक जो है वो कितने प्राइम नंबर होते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर्टी सिक्स प्राइम नंबर होते हैं तो ये यहाँ पर प्राइम नंबर हुए एक से सौ तक अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा जैसे आपको सपोज मान लीजिए रूट वन नाइन वन ये प्राइम नंबर है या नहीं है सॉरी तो रूट क्यों लगाए हैं बिना रूट का रहेगा प्राइम नंबर या फिर नॉट प्राइम नंबर ठीक है ये प्राइम नंबर है या नहीं है तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसे आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक है आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अप्रोक्स रूट ले लेते हैं अगर हम इसको अप्रोक्सली वन तो नाइन वन को हम अप्रोक्सली अगर रूट में लेते हैं तो रूट वन नाइन वन तो देखिए इसके नज़दीक में क्या होगा तो अगर हम चौदह का स्क्वायर करते हैं वन नाइन सिक्स होता है ये है ना अप्रोक्स हम फोर्टीन कर सकते हैं ये ना फोर्टीन के एक, आ, ये रूट्स के इक्वल होगा अब देखिए एक से लेकर फोर्टीन तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं हम उनको लिख लेंगे एक से फोर्टीन तक प्राइम नंबर क्या है तो दो तीन पाँच सात ग्यारह और तेरह ठीक है दो तीन पाँच सात ग्यारह और तेरह ये प्राइम नंबर हैं अब हम इन सारे प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे वन नाइन वन को अगर ये किसी से डिविजिबल हो जाता है तो हम कहेंगे कि प्राइम नंबर नहीं है अदरवाइज अगर किसी से भी ना हो तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो देखिए दो से करते हैं तो दो से तो होगा नहीं तीन से तो नौ और दो ग्यारह नहीं होगा पाँच से तो ऐसे भी नहीं होगा सात से तो सात दो न चौदह और पाँच और एक यानी सत्तर उनचास दो दो कैरी बच जाएगा अब एक ग्यारह से करते हैं तो ग्यारह एकम ग्यारह और कैरी बच गया आठ इक्यासी एक एक ग्यारह से नहीं जाएगा तेरह से तो तेरह छः और एक बचेगा तो तेरह छठहत्तर ये भी नहीं जाएगा यानी कि न तो दो से डिविजिबल है न तीन से न पाँच से न सात से न ग्यारह से और न तेरह से इसलिए हम कहेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है प्राइम नंबर है एक बार पुनः आप इस चीज़ को सुनिएगा जब कोई नंबर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी भी नंबर को प्राइम नंबर बताना लेकिन इस मेथड के थ्रू हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो जो भी नंबर दिया गया है उसका आ, आप रूट निकाल लें अप्रोक्सली जो भी निकलेगा अब वहाँ तक आप टोटल प्राइम नंबर को लिख लीजिए और उस प्राइम नंबर जो भी प्राइम नंबर आपको आए हैं उनसे पारा डिवाइड कीजिए अगर किसी से भी वो डिवाइड ना हो इन प्राइम नंबरों से हम वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे अगर डिवाइड हो जाएगा तो नॉट प्राइम होगा तो ये प्राइम नंबर से संबंधित प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं मैं भी यहाँ तक क्लियर होगा अब हम लोग आते हैं कंपोजिट नंबर में तो प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या जब आप क्लासेस से यहाँ पर करते हैं तो ये कोशिश करें कि आप अपने साथ एक पेन और नोटबुक जरूर रखें यानी कॉपी जरूर रखें और जो चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं वो आप साथ में नोट भी करते चले जहाँ पर डाउट होता है वो आप कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं उसका हम बेशक कोशिश करेंगे बताने का तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या अब यहां पर पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी लिस्ट कंपोजिट नंबर अभी आप लोगों ने देखा कि लिस्ट जो प्राइम नंबर था सबसे छोटी प्राइम नंबर वो दो था है ना था अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर आ, सबसे छोटा दो है ठीक है ना प्राइम नंबर अगर कंपोजिट नंबर पूछ दिया जाए तो यानी कि अभाज्य संख्या को छोड़कर जितने भी संख्या वो सारे के सारे क्या हैं कंपोजिट यानी भाज्य संख्या तो अब देखिए एक तो हो नहीं सकता है और दो तीन चार पाँच तो यहाँ पर देखिए एक जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं होता ये एक्सेशनल केस होता है दो और तीन ये प्राइम नंबर है तो हमारा बचा क्या चार तो चार जो है वो लिस्ट प्राइम नंबर होते हैं तो यानी कि हम अगर कंपोजिट नंबर की बात करें ठीक है ये तो चार जो है वो लिस्ट प्राइम नंबर हुआ अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो चार छ आठ नौ दस बारह चौदह पंद्रह ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ पर क्लियर होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है एक होता है आगे आपका यूज आएगा एक होता है को प्राइम नंबर तो देखिए को प्राइम अगर कोई भी दो प्राइम है और सॉरी कोई भी दो नंबर है अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वन आता है अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है ए और बी और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम आगे बताएंगे अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वन आता है तो उस केसेस में ए और बी जो है वो क्या होंगे ट्वेंट ये को प्राइम होंगे यानी कि इन्हीं भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वन आ रहा है तो वह आपस में नंबर जो है वो को प्राइम है ये जब हम एलसीएम और एस जानेंगे यानी कि लघुत्तम सुमापवर तब और महत्म सुमापर तब तो हम इस रिगार्डिंग चर्चा करेंगे तो बताइए यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स कर दीजिए और बाकी हम इसके आगे अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे अगला सेशंस का हम प्लानिंग बता देते हैं अगला सेशन जो होगा वो आपका आ, कल सेवन थर्टी से यानी सेवन थर्टी से होगा साढ़े सात बजे शाम में ठीक है और कल के सेशंस में हम लोग अन्य और जो नंबर है जैसे परफेक्ट नंबर क्या होता है डिविजिबिलिटी ठीक है डिविजिबिलिटी में जिसमें कि हम लोग फोकस ज़्यादा करेंगे वन यानी वन करें टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो होगा ही अलेवन थर्टीन सेवेंटीन नाइनटीन इनसे कैसे हम देखेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल है अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बाद हमें यूनिट डिजिट्स अगर बहुत बड़ा मल्टीपल आई है या फिर पावर है तो उसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा जैसे अगर मान लीजिए टू के पावर फोर्टी एट पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा ठीक है यूनिट डिजिट्स तो इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे ठीक है एंड uh, देन हम लोग बोर्ड मास रूल एंड रूट्स स्क्वायर रूट्स क्यूब क्यूब रूट्स इस तरह से डिस्कस करेंगे तो आज के सेसन को हम लोग यहीं पे रखते हैं और हाँ जो कंप्लीट कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं